हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हु आर पश्तूंस और पठान्स का रिएक्शन। एंड ये जो है पठान जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, एंड उनका हमने लाइक काफी मूवीज में भी देखा हुआ, लाइक जिंदगी, वो है ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं क्या नाम था वो, एक मूवी थी तो हमने पाकिस्तान की देखी हुई है, तो वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें कैसे वो भी एक पठान एक आदमी था, एंड वो भी आदमी सॉरी पठान लड़की थी, तो वो बहुत उसका एक्सेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड जिस तरीके से वो कॉमेडी करती थी। एंड लाइक हमने एक वाइंस वाली आर वाइंस करके हैं उनका भी देखी हुई है कि लाइक वो कितनी मस्त कॉमेडी करते हैं, एंड लाइक उनके वो पठान वालों के साथ वो करते हैं तो बहुत मजा लगता है। देखते हैं फिर ये क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या और कैसे हुआ। और अगर मैं अपना बात करूं तो मुझे लिटरली पठान लोग का एक्सेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो बोलते हैं क्या कैसे मेरे मोटू ने तो खाना ही नहीं खाया, कुछ ऐसे करके बहुत ही क्यूट एक्सेंट होता है उनका। और हमने वो मूवी देखी थी, हमने और पार्ट हम दोनों ऐसे थे उसकी मूवी के बाद, क्या इन दोनों का एक्सेंट कितना ज्यादा क्यूट है। हम लोग लिटरली 1-2 मिनट तक हम लोग उसकी एक्टिंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी। और आई होप यार हम लोग ऐसे कभी फ्यूचर में पाकिस्तान आ सके और ऐसे पठानों से मिल सके तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि यार जितने पठान होते हैं, मैं असद को भी जानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया था, तो लाइक उन वो भी बहुत नाइस है। तो लाइक मैं जितने अभी तक पठानों से बात बात हुई, बहुत सारे बहुत स्वीट और बहुत काइंड। और मैंने अभी सही बताऊँ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत कम है, लेकिन जितने भी है वो बहुत ज़्यादा स्वीट बहुत ज़्यादा काइंड है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स ही होते हैं मुस्लिम, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, मुझे मुस्लिम बहुत ज़्यादा स्वीट और काइंड लगते हैं। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसी होने वाली है और देख जानते हैं पठानों के बारे में, और उनका इसमें हमें एक्सेंट भी आई होप सुनने के लिए मिलेगा, तो देखते हैं। वही, और उस मूवी का नाम जवानी फिरना यानी था, तो लाइक हाँ वो बहुत कमाल की मूवी थी। एंड हाँ। साथ में देखा जाए संगे माँ करके जो अभी आतिफ असलम का है, वो भी पठानों के ऊपर ही बेस्ड है पूरा, तो लोगों को वो पसंद भी काफी आ रहा है। देखते हैं फिर ये कैसा होता है, तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। कितनी सिंपल है ना। हाँ कल्चर वाले लोग हैं ऐसे, मुझे भी लिटरली ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। पश्तून कौम की तारीख बहुत पुरानी है। मौरखीन के मुताबिक ये कौम 5,000 साल पुरानी है, जबकि बाज़ मौरखीन के मुताबिक इस कौम की तारीख 7,000 साल पुरानी है। पश्तूनों की तारीख के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद है। बाज़ मौरखीन के मुताबिक पश्तून कौम आर्याई या यूनानी नस्ल से है, और बाज़ के नज़दीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। आज की इस वीडियो में मैं पश्तून कौम का मुख्तसर तारुफ बयान करूंगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि बाज़ मुअर्रिखीन इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से बताते हैं, उनके मुताबिक जब बाबल के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और इन पर जुल्म के पहाड़ टूटे, तो बहुत सारे लोग हिजरत करके गौर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खितों तक फैल गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लकब इसराइल था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की औलाद बने इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत 12 बेटे थे, इसलिए इब्तिदा से ही बने इसराइल 12 कबीलों में बटे हुई है। अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह जाहिर शाह मरहूम बरमला ये इकरार करते रहे कि इनका ताल्लुक बनी इसराइल के बनी यमीन कबीले से है। ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल से था। जिन मौरखीन ने इन्हें कैस अब्दुल रशीद की औलाद करार दिया है, उनके मुताबिक पश्तून कौम के सरदार कैस अब्दुल रशीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गए। उन्होंने एक जंग में शिरकत की और बेमिसाल बहादुरी से लड़े, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें बतान का लकब दिया। लफ्ज बतान का मतलब वो सख्त तरीन लकड़ी है जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरेसगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर अपना आसा मार
तो 12 चश्मे फूट पड़े। हर चश्मा बने इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग। कैसा तो ये पश्तूनों के लिए काबिले फखर बात है कि ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी। पश्तूनों का तारीखी पस मंजर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कौम दुनिया भर में पहली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है। पश्तूनों को इनके अकदार व रिवायात के बुनियाद पर दूसरे कौमों से जुदगाना हसीयत हासिल है। इनमें से चंद एक का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। जरगा। जरगा पश्तून सकाफत का एक अहम जुज है। जरगे के जरिए मफरूर, शोरश पसंद और बगावत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां और इलाका बदर किया जाता है। जरगे के जरिए वसीयत, तलाक, मंगनी, कत्ल और फितना व फसाद के मुकदमात के फैसले सादिर होते हैं। एक जरगे में इलाके के मशरान इकट्ठे बैठ कर किसी मसले पर बहस व मुबाहिसा करते हैं, कसरत से किसी नतीजे पर पहुंचकर फैसला करते हैं। इन जरगों के फैसलों को पाकिस्तान की अदालतें भी तस्लीम करती है। लोया जरगा का इनेकाद मुल्की सतह पर होता है। सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली ने इसे बुलवाया था कि अफगानों को एक अलहदा मुल्क और हुकूमत के तहत मुनजम किया जाए। उस जरगा ने अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान का पहला बादशाह मुकरर किया था। लोया जरगा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आजादी के वक्त एक कबायली जरगे ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया था। पश्तून वली। पश्तून कबायली का मुआशरती आईन व दस्तूर अखलाक जो पश्तून वली की मानों में इस्तेमाल होता है, मसलन खून का बदला लेना, पनाह लेने वाले के लिए आखिरी दम तक लड़ना, सपुर्द करदा जायदाद की आखिरी दम तक हिफाजत करना, मेहमान नवाजी और मेहमान के जान व माल की हिफाजत करना, मुजरिम के खानदान की किसी औरत की दरख्वास्त पर लड़ाई बंद करना, औरत और कम सिन बच्चों को कत्ल करने से परहेज करना, जो हथियार डाल दे और अपने किए के माफी मांगे उसे माफ करना, जिसे मनवाते कहते हैं। पुराने जमाने में जब दुश्मन मुंह में घास डालकर पनाह मांगते तो उसकी जान बख्शी की जाती। सियाहकार को मौत के घाट उतारना। हुजरा। पश्तूनों की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि पश्तूनों के हर घर में एक छोटा और हर गांव में एक बड़ा हुजरा मौजूद होता है। हुजरे में मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती है। इसके अलावा शाम के बाद पूरे गांव के मर्द हुजरे में इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में मामलात पर गुफ्तगुशुनीद करते हैं। हुजरे में मौसीकी और रक्स का भी एहतमाम होता है। रक्स। पश्तून लोग राग व रंग के शौकीन हैं। पश्तूनों में जो नाच मुरविज है वो ज्यादातर मिली नाच है। इनमें बहुत से अफराद एक दायरे में रक्स करते हैं जिनके बीच में अमूमन डोल नफरी बजाने वाले होते हैं। बाज रक्स नौजवान तलवारों के साथ करते हैं और बाज रक्स में रुमाल का इस्तेमाल होता है और साथ तालियां बजाते हैं। इन रक्स के नाम खटक डांस, अंतरा और बलबला वगैरह है। ये हकीकत है कि हर पश्तून दिलो जान से मुसीकी का दिल दादा होता है। इसी तरह पश्तून अदब को भी बहुत कदीम बताया जाता है। बाज मुहक्किकीन के मुताबिक पश्तो 7000 साल पुरानी जुबान है। उनका कहना है कि रगवीद में भी पश्तो का जिक्र किया गया है। एक रिवायत के मुताबिक ईरान के बादशाह दारियोश जिसने 522 से 486 कबल मसीह तक हुकूमत की है, उसने पश्तो जुबान के 3 मिसरे लिखे हैं, जो मेखी रस्मुल खत में लिखी गई है। इस लिहाज से पश्तो अदब 7500 साल पुरानी है, जबकि मोहम्मद हूतक के पश्तो किताब बटा खजाना से साबित है कि ये 3री सदी हिजरी में लिखी गई है। पश्तो संस्कृत और अवेस्ता जुबानों से भी बहुत मुशाबिहत रखता है। इस वजह से मुहाक्किकीन पश्तो जुबान को कदीम करार देते हैं। इस वीडियो के थ्रू में बहुत ज्यादा कुछ पता चला है। मेनली ये है कि लाइक पठान का बहुत पुराना कल्चर है,
एंड किस तरीके से लाइक वो हजारों साल पहले, 5,000 साल से उनका एक ग्रुप है, और साथ में 7,000 साल पहले से उनकी वो लैंग्वेज है और वो चलती आ रही है. तो एक बहुत विविड और बहुत रिच कल्चर है उनका. एंड लाइक बहुत सारी और अंदर की चीज़ें होंगी जो मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर नहीं आ पाए होंगी, बिकॉज वो चीज़ें ऑफकोर्स सारी डालेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी. एंड बाकी जहाँ तक बात करें, लाइक मेनली इनको पाकिस्तान में हमने देखा हुआ है, लाइक इंडिया में पठान सुना हुआ है नाम, पर उतने ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से. मैं कहना चाहूँगा ये मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन साइड पर ज़्यादा है. तो आप लोग ज़रूर बताएगा क्या क्या कितने परसेंटेज में और कैसा पूरा रहता है हर चीज. बाकी मेरे ख्याल से पेशावर वहीं का है, बिकॉज लोग हमें बता रहे थे कि पेशावर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हॉस्पिटेबिलिटी बहुत हाई है एंड वहाँ पे पठान्स भी बहुत हाई है, तो उसकी वजह से वो पूरा ध्यान रखते हैं. लाइक यहाँ पे बताया था एक सेगमेंट है जो पूरा ये ध्यान रखता है कि लाइक जो मेहमान नवाजी है वो हमेशा टॉप की रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए. वही उनका एक्सेंट तो मजेदार है, पर उसके साथ लाइक उनका हर चीज भी बहुत अच्छी है. सो यार कमाल की चीज थी. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब छोटी छोटी चीजें बताई गई पठान के बारे में वो लिटरली बहुत ही अच्छी थी. लाइक उन्होंने उसके डांस फॉर्म के बारे में बताया कि उनको कौन सा डांस अच्छा लगता है, इवन उन्होंने ये तक बताया कि इसमें 7 क्लैप्स होती है. फिर उन्होंने अपना बेसिकली उनकी हिस्ट्री बताई कि वो नबी के बहुत ज़्यादा से क्लोज थे, उनके कहते हैं ना आर्मी में थे, बेसिकली सिपाही थे, सिपाही इज़ अ एक्यूरेट वर्ड. और एक चीज़ और इन्होंने बताया कि 5,000 साल पहले का, तो शायद इस्लाम 14,000 साल पहले का है शायद, या फिर 1400 साल का, मुझे इसमें हाँ 1400, तो 1400 साल पुराना इस्लाम है, तो 5,000 साल पुराना ये इससे भी मतलब इस्लाम से भी ज़्यादा पुराना पठान है, मतलब ये जो भी है पठान कम्युनिटी है. तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और ये बहुत ही ऐसे पावरफुल. तो इन्होंने बोला है कि लाइक इन्होंने शिप्स में मतलब ये शिप्स की लकड़ी के समान इसको मतलब स्ट्रांग माना जाता है जो यूज़ होती है. तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि पठान को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है मुस्लिम्स में. और फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मेरे को सिर्फ एक चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी कि वो डांस फॉर्म दिखा रहे थे, अगर वो थोड़ा थोड़ा डांस भी दिखा रहे थे तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी. और मुझे ना पठान के बारे में सारी मैक्सिमम चीज़ अच्छी लगती है, और स्टार्टिंग में जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया था वो कितने ज़्यादा सिंपल है और अभी तक इवन ठीक है, वो पठान बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग टाइप वाले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी. वही, और मैं ये चीज़ भी जानना चाहूँगा कि लाइक अभी भी काफ़ी सारे पठान अगर ट्राइबल एरियाज में रहते हैं सारे के सारे सिटी में मूवी हो चुके हैं, वो आप जरूर बताएगा मेंशन के अंदर. तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप मेंशन जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.